नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज जॉब नरेंद्र पे। आप किसी भी एंटीवायरस को जब भी क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं स्कैन करने के मामले में। पहला ऑप्शन आता है क्विक स्कैन, दूसरा आता है फुल स्कैन, तीसरा आता है कस्टम स्कैन। इन तीनों में क्या अंतर होता है, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्विक स्कैन की। क्विक स्कैन क्या करता है? देखिए, क्विक स्कैन दोस्तों आपके केवल उन्हीं जगह को सर्च करता है जहाँ पर वायरस होने की संभावना होती है। जैसे कौन कौन सी जगह है, जैसे कि आपकी सी ड्राइव की कुछ फाइल है, पूरी सी ड्राइव नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है, मेमोरी की फाइल है और सिस्टम डायरेक्टरी की फाइल है, इन जगह को क्विक स्कैन करता है। क्विक स्कैन दोस्तों आपका वायरस पूरी तरह पता नहीं लगा पाता है, यानी आपको अंदाज, जैसे आपके कंप्यूटर 10 वायरस है तो क्विक स्कैन केवल एक का पता लगा सकता है, पूरे का पता नहीं लगा सकता। तो जब भी आप कंप्यूटर इंस्टॉल करें या कोई हार्डवेयर स्कैन करें तो पहले क्विक स्कैन कर ले, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज होता है कि कहाँ कहाँ मतलब वायरस है या नहीं। ठीक है, तो क्विक स्कैन दोस्तों बहुत ही कम समय लेता है, लगभग 3 से 5 मिनट लेता है या कभी कभी 10-15 मिनट भी ले लेता है या आधा घंटा। ठीक है, अभी बात करते हैं फुल स्कैन। फुल स्कैन दोस्तों आप पूरी हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है, आपके हार्ड ड्राइव 1 TB, 2 TB, 3 TB, 8 TB कितनी में पूरी को स्कैन करता है। और फुल स्कैन करने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, अगर मैं मेरी बात करूँ तो 3 घंटे लगते हैं, और 2 TB हार्ड ड्राइव मिला दे तो 4 से 5 घंटे भी लगते हैं। अगर आपकी हार्ड ड्राइव पूरी भरी हुई तो ज़्यादा समय लगता है, कम भरी हुई तो कम समय लगता है। तो इसके लिए फुल स्कैन का यूज़ किया जाता है। अभी आता है कस्टम स्कैन। देखिए, कस्टम स्कैन का उपयोग स्पेशली अगर आप कोई मेमोरी कार्ड डाल रहे हैं ना तो उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर आपको कोई, जैसे कि मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, मेरे कंप्यूटर में एक और हार्ड ड्राइव लगा रखी है, तो अभी ये सी ड्राइव है। ठीक है, अगर मैं इसी को स्कैन करना चाहता हूँ तो ये कहलाएगी कस्टम स्कैन। आप कस्टम स्कैन क्लिक करके स्कैन नाउ क्लिक करेंगे तो हार्ड ड्राइव पूछ लेगा आप और उसको स्कैन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों तीन है। क्विक स्कैन कुछ जगह स्कैन करता है, वायरस का ज़्यादा पता नहीं लगा सकता। फुल स्कैन आपको वायरस का सभी जगह से पता लगाएगा, कितने वायरस है आपके पूरे कंप्यूटर के अंदर, और ये उनको बाहर भी कर देगा। और कस्टम में आपको कोई सी एक हार्ड ड्राइव स्कैन करनी है तो उसके लिए कस्टम स्कैन यूज़ करते हैं। तो ये है दोस्तों तीन स्कैन। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।